हरिओम अयमारंभ कर्माय शुभं भवतु शुभं भवतु मंगलं भवतु। ओम नमो भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्रीवासुदेवाय। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय जगधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पुण्य कार्तिकर पुण्य प्रभात अफुरंत आनंद भितरे आपण माने समस्त होउछंती कार्तिक महात्म्यर श्रोता। सेई कार्तिक महात्म्य को श्रवण करुथिबा ये पुण्य मास कार्तिकर ये दामोदर मासर आराध्य देवता सेई राई दामोदरंकर चरणार बिंद तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन पूर्वक समस्त श्रोतृमंडलींकु हृदयर निवृत्ततम कोणरु श्रद्धा भक्ति आउ सम्मान ज्ञापन करुछि अधम। कथावस्तुर विराम थिला विप्र धनेश्वर पाखरे। धनेश्वर विप्र हुए तो जातिरे ब्राह्मण किंतु कौनसी ब्राह्मणोचित कर्म करेनी। ब्राह्मणर लक्षण ता पाखरे कौनसी भावरे परिप्रकाशित हुएनी। सबु प्रकार विलक्षण देखा जाउथिबा विलक्षण युक्त ये मनीष विप्र धनेश्वर एमिति अनेक दिन कालातिपात करु करु प्रभु कृपा हला। ये प्रभु जहाँ को थरे चाहि दियंती ये सूर्य चंद्र नयनर दृष्टि थरे जहाँ उपरे पड़े तार जन्म जन्मांतरर जन्म जन्मांतरर पाप ताप सबु किछि क्षय जाए त्रिताप क्षय जाए। आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक ये त्रिताप क्षय जाए। सबु परे ये जातिरे ब्राह्मण आउ प्रभु विप्र प्रिय सेई भावनार उद्रेक भितरे सेई भावनार उचाट भितरे सेई भावनार भावावेश भितरे ये प्रभु हुए तो थरे मात्र कृपा दृष्टि रे चाहिले। धनेश्वर कृपा दृष्टि जेतेबेले धनेश्वर उपरे पड़गला धनेश्वर बुलु बुलु पहुँचला कौटी ना ये जातिर प्राण केन्द्र प्राण संस्कृतिर केन्द्र जोठु ये जातिर उत्पत्ति नदी नदी तटरु ये आर्य समाजर सृष्टि ये आर्य परंपरार सृष्टि। से भली नदीटीए ना होचे नर्मदा। सुंदर भाव से नर्मदा कूल में पहुँचीगला बेले विप्र धनेश्वर पहुँचीगला बेले जहाँ किसी घटी पुराण सुंदर भाव वर्णना करिसंती कार्तिक महात्म्य महादेव दास अपूर्व दिव्य सुंदर वाणी को टी श्रवण करवा हूँ। नर्मदा तटने पहुँची जा विप्र धनेश्वर से देशे समुद्र उतरे नर्मदा नामे नदी तीरे निर्मल सदसित पानी स्नाने सकल शुभदानी से पुण्य नदी बेनी तीरे बहुत देशु दिज बरे पवित्र जल आणी आसी कार्तिक व्रत उपदेशी
ସକଳ କରି ସେହି ଦିନେ ରହିଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନେଶ୍ୱର ମନରେ କରି ବିଚାର ମୁହେ ହଙ୍କ ପାଶେ ରହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବ ଜହିତ ଆଉ ସେଇ ଜନସମାଗମ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଧନେଶ୍ୱର ବିପ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନ ବୁଲି ଇଏ ମାନବ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ଖରାପ ବାଟରେ ଉପଯୋଗ ନ କରି କିଛି ହୁଏତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରିବ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଥିବା ବାଟଟାକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଛି ଗୋଟାଏ ଭଲ ବାଟକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆସିବାକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟାଏ ବିପଣୀ ବା ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଦିଏ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଯାହା କିଛି ବିକ୍ରି ବଟା ହେବ ଯାହା କିଛି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିବି ସେଇଥିରେ ହୁଏତ ନିଜର ବାକି ଜୀବନ ତକ କଟେଇଦେବି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେଦିନ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେଦିନ ଧନେଶ୍ୱର ସେଇ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ହୁଏତ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖୋଲିଛି ଦୋକାନ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବ ଆଉ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରିଜାତ ଧନରୁ ସଂସାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ବା ନିଜର ଜୀବିକା ଜୀବନ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ମାର୍ଗ ଧରିବ କିଛି କାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ସେହି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ବ୍ରତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ବସା ଉଠା କରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରୁ କରୁ ହୁଏତ ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବିପ୍ର ଧନେଶ୍ୱରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାସ କଲାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଧନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ଆମର ପୁରାଣ କଳ୍ପିତ ଯମପୁର ବୋଲିକରି ଅଛି ସେ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତନା ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଧନେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏତ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ କଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ପାଇଛି ଆଉ ସେହିସବୁ ପୀଡ଼ାକୁ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଛି ଧନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଭୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯମ ଇଏ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଯମ କାହିଁକି ମୋ ପାଞ୍ଜିକାରମାନେ ତ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରକାର କୁବୃତ୍ତି କରିଛି କୁପ୍ରକୃତି କରିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିନି ନା ତଥାପି ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳଟା ଏତେ ଅଧିକା ସେଇ ଫଳ ବଳରେ ସେ ହୁଏତ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ତୁମର ଭୁଲ ହେଇଛି ତମ ପାଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏନି ଜମ ପୁଣି ଖାଲି ଏତିକି କଥା ନୁହଁ ପ୍ରଭୁଆକୁ ଏମିତିକା ମୁଖ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତା ବଳରେ ଯୁଗ ଆସିଛି ତ୍ରେତୟା ଆଉ ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଯେଉଁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏ କୋଶଳ କିଶୋର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନଦୀ ଆଉ ସେଇ ନଦୀର ପୁଣ୍ୟତା ପାଇଛି କିଏ ନା ଏଇ ବିପ୍ର ଧନେଶ୍ୱର ପୁରାଣ କହେ ପଦ୍ମପୁରାଣର ଭାଷା ନିଜେ ବ୍ୟାସ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ବହିଯାଇଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କୂଳରେ ଅବୋଧ ଦେଶ ବା ଅବୋଧ ନଗରୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ବହିଯାଇଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ସରଜୁ ସେଇ ସରଜୁ ନଦୀ ହେଇଛି ହୁଏତ ବିପ୍ର ଧନେଶ୍ୱର ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ପୁରାଣ କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାବରେ ଭାବରେ ଟିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ ବିପ୍ର ପ୍ରୀତିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ବିଳସି ଧନପତି ଶ୍ରୀ ତଦ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପୋରେ ଆସିବୁ ଜନ ଉପକାରେ ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ବହିବୁ ସୁଶୀତଳ ଜଳେ ସରଜୁ ନାମେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନେ ପାଣିଙ୍କ ମନରତେ ହୋଇବ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି
पुणित तीरे दयानिधि अयोध्या नामे पुण्य क्षेत्रे श्री राम नामे ख्यात जात होइबे नर हरि एक चतुर्धा रूप धरि लक्ष्मी जे सीता नाम बही तोर निकटे थिबे रही। सेदिन से विप्रप्रिय धार्मिक राघवेन्द्र सरकार पाखेरे ये सरजू नदी विप्र धनेश्वर नाम धारण करिथिबा ये धनेश्वर सरजू नदी नाम प्रवाहित देखंतु ये प्रभुंकर विप्र प्रीति सेइथिपाई तो कोसल किशोर राघवेन्द्र सरकार को स्तुति कला बेले रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुस्थं करुणाकर गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनय श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी। विप्रप्रिय धार्मिक बोली स्तुति करा जाइछि प्रभु सेतिकि भल पाइबा थिला ब्राह्मण मानंक प्रति आउ सेही भल पाइबार पराकाष्ठा भितरे प्रभु ये धनेश्वर को मुक्ति देइथिले विप्र धनेश्वर को जहाँ पद्म पुराण वर्णना करिछि कार्तिक महात्म्य वर्णना करिछन्ति आउ सेही भावरे भावरे आमे मध्य आपणक सम्मुखरे श्रोताबंधु मानंक सम्मुखरे उपस्थापित करिछु सेही भावनार चिंतन भितरे सेही भावनार वैशिष्ट्य भितरे पुणी जेतेबेले कार्तिक महात्म्य आउपादे आग को अग्रसर हुंती ये गोटे नदी संस्कृतिर कथा सरीगला अनेक नदीर कथा जानिलु जोठु आर्य संस्कृतिर अयमारंभर पर्व आउ से नदी संस्कृति भितरे आम जीवन मध्ये अतिवाहित होइछि आउ से नदी माने सदा सर्वदा आमको पुण्यतया भावरे जल प्रदान करिछन्ति आउ से जलरे तृष्णा निवारण करी तृषा निवारण करी हेतु आमे जीवन को चरितार्थ करिछु आउ से नदी पाखरु गढ़ी उठिछि ये आर्य संस्कृति परंपरार भव्य दिव्य धारा तेणु से नदी जे आम जीवन सहित अंगांगी भाव जड़ित ये कथा मध्ये आम पुराण आमको चेतई देइछि नदीर जल आम पाई पुण्य आउ से पुण्य तो या नदीर जल भितरे आमे हुए तो पुराण माध्यम रे संदर्शन करिछु दिव्य दर्शन भाव रे देखिछु प्रभुंकर लीला खेला प्रभुंकर महात्म्य आउ से प्रभुंकर महात्म्य सहित अंगांगी भाव रे जड़ित थिबा ए नदी गुड़िक आमको हुए तो बतेइछंती जीवन रे एक भव्य दिव्य धारा आउ से भव्य दिव्य धारा भितरे आमे सम्मान दे शिखिचु नदी को देवता भाव में ग्रहण करनेचु नदी को से नदी हुंतु गंगा हुंतु जमुना कृष्णा कावेरी हुंतु बा नर्मदा हुंतु बा कृष्णा वेणी बा जे केही नदी भितरे आमे सबु जागारे प्रभुत्वर परिप्रकाश को देखिला बेले नदी जे भारतीय संस्कृति रो एक देवतुल्य देवपम स्थान से कथा को मानिबा को आमे हुए तो बाध्य हो जाइछु आउ से बाध्यता भितरे से नदी आमको देइछि पुण्यतार प्रतीक से पुण्यतार प्रतीकर स्वरूप आज शुणुले ये नदी गुड़िकर महात्म्य आ महात्म्य को आग को बढ़ेला बेले ये कार्तिक महात्म्य प्रथम नदी को वर्णना कर सारापर प्रकृति पाई पुराणर जो सन्देश ये पुराण गुड़िक आमको एमती भाव भावित कर बारंबार आपण को कही कथा ये विज्ञान ये पुराण भितर सृष्टि विज्ञानर समस्त चिंता चेतना ये पुराण भितर सन्निवेशित अच्छा गोटे पटर जलतत्व को सुड़ेला बेले वर्तमान पुणी जेतेबेले पृथ्वी तत्व आड़क जाउछंती पद्म पुराण से पृथ्वी तत्व उपर परम तत्व होची वृक्ष जो वृक्ष ये मानव जीवन एकमात्र संबल ये वृक्ष प्रदान करुथिबा अम्लजान आम जीवन सर्वस्व से अम्लजान टिकक पाई ये सकल जीवजगत हुए तो छटपट हो जाए आम देखिछु ए कथा विगत दिन में तेणु से अम्लजान वर्षा बा अम्लजान वृष्टि करिबा निमित्त आम पुराण बतेची वृक्ष संस्कृति केमितिका से संस्कृति आसंतु हुए तो श्रवण करिबा ए कार्तिक महात्म्य माध्यम रे से वृक्ष संस्कृति को गला बेले जो वृक्ष गुड़िक आम पाखरे परिवेशित हेबे बा जो वृक्ष गुड़िक पर्यवेशित हेबे से सब वृक्ष को नहीं ये कार्तिक महात्म्य वर्णना करिछंती वृक्ष संस्कृति कहले कथं तोया स्वतथ बटे गोब्राह्मण समुकृते सर्वे भोपी तरभ्यासु
कस्मात पूजा सदैमती कहले जोड़ाए वृक्षर कथा पचारुछंती महिमा किए ना सुत होउछंती वक्ता सनकादि मुनि माने होउछंती श्रोता पचारुछंती हे सुत महामुनि बतेई बा हुंतु जो वृक्षर महिमा वर्णना करा जाइछि जो बटवृक्ष आ अश्वतात्त वृक्ष कौन यार महिमा केमिति यार महिमा एक कथा को पचारिबा को गला बेले गीतरे गीतरे कार्तिक महात्म्य सुनौछंती आपण हे सुत सुन सबदाने तुम्बे रहिल दिव्य माने बट पिपल वृक्ष मोले शांति कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म प्राप्त हे बले एक कथा सुनी तुम बताओ मनु संशय दूर है संसारे अच्छे केते वृक्ष एबे नी किंबा हेले मुख्य एक कथा कह मुनि बर सुनी संशय है दूर कहते सुत महाजानी सुनी नने जुकनी मुनि संशय दूर करिबा निमित्त सुतंक पाखरे जो सोनकादि मुनि माने बसिचंती हाथ जोड़ी कहते हे सुत महामुनि बतेबा हंतु संसार अनेक वृक्ष देखिचु अनेक वृक्ष को चर्मचक्षुरे हुए तो दर्शन करिचु किंतु कौन एमती महिमा रही ये बटवृक्ष ये पिप्पल वृक्ष पिप्पल कहले अश्वतथ वृक्ष अवस्थ वृक्ष बोल कहते कौन एमती महिमा रही कहीं वृक्ष दुईटी महान कहीं वृक्ष निकट में पालन करते बड़ व्रत आए वृक्षर महिमा ये सब को गोटी गोटी करी आम आगे कहतु कहीं वृक्ष किपर ये वृक्ष कौन पाई ये वृक्ष आक्षर महिमा सब कौन अच्छी ये सब को आम निकट में बखाणी कर कहतु यार इतिवृत्ति स्मितहास्य प्रकाश कर बदन रे सुत कह शुणा चाहती मुनि माने ना हाँ ना निश्चित भाव में शुणु शुणवा गला बेले मुनि कहते पर्वत हूँ किए ना कैलास कैलास पर्वत बसवास करुछंती किए ना आपण माने समस्ते जानती से भगवान किए अकर्म कर्मदायक मंगलमय भगवान शंकर से ही अकर्म कर्मदायक मंगलमय भगवान शंकर आज ये कार्तिक पुण्य दिवस को आपण मंगलमय करतु शुभद करतु कीर्तिद करतु कृतिद करतु से ही भावनार उचाट भितर समय इंगित हे तो आज ये कार्यक्रम को यू सारुचु आउ एक अध्याय सुंदर प्रभात ये कार्तिक महात्म्य को श्रवण करने को गला बेले श्रवण करवा वृक्ष महिमा से वृक्ष महिमा को श्रवण करवा तो करवा समय हरि संकीर्तन हरि हरि घोष पाप तप नाश शरण सोर जप दे केतु बलि भाव आओ न मिलिबा हरि वेद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।